हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे आलू और प्याज के पकोड़े, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो पकोड़े खाने का मन होता है, तो ये आलू प्याज के पकोड़े आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और इनको बनाना भी बहुत ही आसान है। एकदम झटपट से बनने वाली रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बन जाती है। और इस बारिश के मौसम में पकोड़े खाने का मन सबका होता है, तो ये आप आलू प्याज के पकोड़े ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिए, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये आलू प्याज के पकोड़े। इसके लिए हमें प्याज और आलू चाहिए, तो मैंने 3 प्याज और 2 आलू लिए हैं। इनको अच्छे से छील करके धो लिया है। अब हमें प्याज को काटना है, तो प्याज को हमें लंबे लंबे स्लाइसेस में काटना है, एकदम पतला पतला ही रखना है, प्याज को मोटा नहीं काटना है। और ये देखिए, इस तरह से हमें यहाँ पर सारी प्याज काटकर तैयार करनी है। और ये देखिए, मैंने यहाँ पर सारी प्याज को काट लिया है। अब हमें आलू को काटना है, तो पहले हम आलू को इस तरह से कतलियों में काट लेंगे। उसके बाद हमें आलू के भी लच्छे निकालने हैं। जैसे हमने प्याज को काटा है, वैसे ही हम आलू को भी काटेंगे। इस तरह से लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लेंगे। और ये देखिए, मैंने यहाँ पर सारे आलू काट लिए हैं इस तरह से। ये देखिए, पतले पतले और लंबे लंबे काट लीजिए। अब हम इन आलू प्याज को एक बड़े से बर्तन में डाल लेंगे, जिसमें हम पकौड़ों का घोल बनाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो पहले हमें यहाँ पर नमक डालना है स्वाद के अनुसार, और इनको हम यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे नमक के साथ में। और हमें इनको यहाँ पर 5 मिनट के लिए रखना है, ताकि आलू और प्याज में जितना भी पानी है वो सारा निकल जाए। उसके बाद हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। तब तक हम यहाँ पर एक मसाला बनाएंगे। इसके लिए मैंने 1 छोटा चम्मच धनिया, आधा छोटा चम्मच जीरा और आधा छोटा चम्मच सौंफ लिया है। इनको हम यहाँ पर हल्का सा भून लेंगे, इनमें से बढ़िया सी खुशबू आने लगेगी, इतना हमें इनको भूनना है। और ये खड़े मसाले हमारे भून गए हैं, ये देखिए। अब हम इनको यहाँ पर थोड़ा सा ठंडा करेंगे, उसके बाद में हम इनको दरदरा सा कूट लेंगे, या फिर मिक्सी में आप इनको पीस भी सकते हो। और ये देखिए, आलू और प्याज में से कितना सारा पानी निकल गया है, क्योंकि हमने इसमें नमक डाला था। नमक से आलू और प्याज में जितना भी पानी होता है वो सारा निकल जाता है। अब हम इसमें जब बेसन ऐड करेंगे, तो हमें यहाँ पर ज़्यादा बेसन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। मैंने आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, आधा छोटा चम्मच कसूरी मेथी ली है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। 1 छोटा चम्मच लहसुन और मिर्ची को कूट करके डाल दिया है। और ये मसाला जो हमने भून कर रखा था, उसको भी मैंने दरदरा कूट लिया था। ये मसाला आप बनाकर रख भी सकते हो, जब भी आप कभी पकोड़े बनाएं या फिर पराठे बनाएं, उसमें डाल सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। बेसन हमें यहाँ पर ज़्यादा नहीं डालना है, और पहले हम इसमें थोड़ा सा बेसन डालकर इसको मिक्स कर लेंगे, और आलू और प्याज का जो पानी था उसी में ये बेसन मिक्स हो जाएगा। और ये देखिए, बेसन यहाँ पर थोड़ा सा कम लग रहा है, तो इसमें ये बचा हुआ बेसन भी ऐड कर देंगे और इसको एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने यहाँ पर 1/4 चम्मच हींग ऐड किया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है हींग की। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमें अभी यहाँ पर इसमें पानी ऐड नहीं करना है, पहले अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और देखिए, मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 से 4 छोटा चम्मच ही पानी डाला है, इसी में ये घोल बनकर तैयार हो जाएगा। आप यहाँ पर ज़्यादा बेसन ऐड मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आलू प्याज का टेस्ट जो है वो कम आएगा और बेसन का ज़्यादा आएगा। और ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया है। अब ये जो घोल हमने बनाया है ऐसा ही रहेगा, क्योंकि आलू और प्याज में जो पानी था वो पहले ही निकल गया है। अगर हम वो वाला स्टेप नहीं करते, तो अब जो आलू प्याज हैं वो पानी छोड़ देते और फिर जो हमारा घोल है वो पतला हो जाता। तेल यहाँ पर मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अब यहाँ पर गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिए।
और इसमें यहाँ पर पकोड़े डाल दीजिए छोटे छोटे। मैं यहाँ पर चम्मच से डाल रही हूँ, आप चाहे तो हाथ से भी डाल सकते हो। मुझे यहाँ पर चम्मच से डालना थोड़ा सेफ़ लगता है, इसलिए मैं यहाँ पर चम्मच से ही डाल रही हूँ। छोटे छोटे से पकोड़े बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। और ये देखिए, जितना कढ़ाई में आ सके उतना हम यहाँ पर पकोड़े डाल देंगे। देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं भरना है, बस जितना आपकी कढ़ाई में आ जाए उतना ही हमें यहाँ पर ऐड करना है। अच्छे से उलट पुलट करके हम यहाँ पर पकोड़े को पका लेंगे। गैस की फ्लेम को हमें यहाँ पर मीडियम रखना है। और ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है पकोड़े का। आप यहाँ पर पकोड़े पकने का एक अंदाज़ा और भी लगा सकते हो। ये जो बबल्स आप देख रहे हो एकदम क्लीन दिखाई दे रहे हैं, एकदम साफ़ हैं, तो आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे जो पकोड़े हैं वो अच्छे से पक चुके हैं। अगर ये पकोड़े कच्चे हैं तो ये जो बबल्स हैं ये थोड़े से वाइट वाइट दिखाई देंगे। और देखिए कितना अच्छा कलर आया है पकोड़े का। ये एक बैच मैंने यहाँ पर बनाकर तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम यहाँ पर बाकी के बचे हुए पकोड़े भी बना लेंगे। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा आप। ये आलू प्याज के पकोड़े बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और ये देखिए बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। और इस बारिश के मौसम में पकोड़े बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और ये बहुत जल्दी बन भी जाते हैं। और ये देखिए सारे पकोड़े मैंने यहाँ पर बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप ये पकोड़े ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइए कि आपने जो पकोड़े बनाए वो कैसे बने। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ।